पर जब बीबी गेमिंग को मैं बचाने गया था ना उस आइलैंड पर, उस टाइम वो जो बंकर में से यार हाईटेक वेपन थे सारे के सारे किसी ने चुरा लिए हैं। अब मेरे को खुद नहीं पता यार वो जो वेपन है किसने चुराए हैं, उसका तो ना हम लोग पता कर ही रहे हैं। और एक बात और यार, जो अपने बॉडीगार्ड्स हैं, 3 बॉडीगार्ड्स अपने मारे जा चुके हैं। और अभी मैं आया हुआ हूँ बीबी गेमिंग के घर पर, ये देखो यार ये जो बॉडीगार्ड है, जिस करके कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इंटीरियर देखो, प्रेसिडेंट की गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ बिना डरे वो भी, ठीक है। ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये भी अपने को जानने लग चुके हैं। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा अंदर की साइड। और ये जो मेंशन है, इतना ज़्यादा लग्जरी था है और इतना बड़ा मेंशन है ना, मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस। अभी चलते हैं इसके अंदर और मैं इनको देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। वैसे ना वो नीचे वाली साइड पर कुछ खा पी रहा था, एक तो ना उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो तो गाइस सोने से उठ ही नहीं रहा था। और इस टाइम पर गाइस आप लोग ना वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो लाइक का एम है वो है पूरे 5000 लाइक का। और चैनल को बिना सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने नहीं किया है। और ये देखो ये जो मेंशन है इतना ज़्यादा बड़ा सा है, पीछे वाली साइड पर देख रहे हो व्यू कितना ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। यहाँ से ना अपने को सारी की सारी लॉस सैंटोस की बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इस वाले बॉडीगार्ड को बोलूँगा ना कि तो वहाँ पर एम कर, तो ये मेरे को एम करके दिखाएगा। ये देखो उसने यहाँ पर ना एम कर ली है यार, ये ना अपने सारे के सारे ऑर्डर्स वगैरह मान रहा है, क्योंकि ये है एक स्वैट वाला बॉडीगार्ड, कोई छोटा मोटा नहीं है। और हाँ मैं ना आपको बताना भूल चुका था, जो बीबी गेमिंग है वो ना प्रेसिडेंट के काम से किसी गया हुआ है वाइट हाउस पर, वो थोड़ी देर तक आ जाएगा। पर तब तक ना मैं मयंक के पास चलता हूँ, उससे पूछता हूँ कि तू कहीं चलने वाला है कि नहीं मेरे साथ, क्योंकि ना गाइज जो बीबी गेमिंग है उसने मेरे को परमिशन दे रखी है कि तू मेरे शोरूम पर जा करके कोई भी गाड़ी यहाँ से ना ले सकता है, अपनी पर्सनल रख सकता है। तो मैं इसको पूछता हूँ कि तू मेरे साथ शोरूम पर चलेगा। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है यार, अभी ड्रिंक कर रहा है क्या बैठ के? नहीं नहीं नहीं, ये देखो। और क्या हाल है तेरा, तू ठीक है ना अब तो? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता तेरा क्या हाल है? मैं तो बढ़िया हूँ एकदम। सुनने में आया था कि तू उठ ही नहीं रहा था पूरी रात से। वो तो मेरी तबीयत खराब थी तब सोया हुआ था, अब तो मैं पूरा फिट एंड फाइन हूँ। थोड़ा कम करा कर ड्रिंक वगैरह, ठीक है? अब मेरी बात सुन, तू चलेगा मेरे साथ शोरूम पर? कहाँ जाना है तेरा, कहाँ से शोरूम आ गया इधर? अबे मेरा शोरूम नहीं है, बीबी गेमिंग का शोरूम है। मैं वो कहीं ना गाड़ी लेने जा रहा हूँ वहाँ पर मस्त। बीबी गेमिंग तो गया हुआ है प्रेसिडेंट के काम से। हाँ तो तू चल पड़ मेरे साथ में, या तो मैं अकेला जाऊँ? अकेला चला जा, चोर बंदे के साथ नहीं घूमता। अबे यार तू चुप कर, तू ड्रिंक करके सोता रहा बस, और कुछ ना कर यार। एक तो ना इसको तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं है। अब आप बताओ गाइस ये क्यों नहीं मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, मेरे को ना ये चीज़ बताओ। वैसे हाँ मेरे को पता है मैंने ना इसके मेंशन पर रॉबरी करी थी, पर अब वो चीज़ भूलो यार, उसको मत बताया करो कि रॉबरी वगैरह उसने करी थी मेंशन पर, क्योंकि अगर उसको पता चल गया आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये देखो ये ना इधर पता नहीं क्या कर रहा है, ये मेरी बातें तो नहीं सुन रहा है। अबे इतना सारा पैसा इधर, निकल जा तभी खड़ा हूँ मैं इधर, कहीं उसका पैसा चुरा ले तू। ये कितना मिलियन डॉलर होएगा? ये 10 रुपया, निकल इधर से। देखो गाइस ये ना प्रेसिडेंट का हाउस है, तो पैसा तो आपको दिखने वाला ही है इधर उधर। अब इतना बड़ा मेंशन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं निकलूँ कहाँ से यार बाहर। यहाँ से देखते हैं एक बारी चल करके। अबे भाई इतना बड़ा मेंशन है यार, मैं तो भटक जाऊँगा लग रहा है, ऊपर नहीं जाने वाला हूँ मैं। इस बॉडीगार्ड को बोलता हूँ कि ना तू मेरे को बाहर तक ले करके चल। सुन भाई, अच्छा ये कह रहा है कि सर आपको ऊपर चलना पड़ेगा, मैं ना इसको फॉलो करने वाला हूँ। भाई देखो यार इतना बड़ा मेंशन है, मैं तो भटक गया था। और ये इधर क्या करने आ रहा है? ओ भाई पैसा देख रहे हो गाइस, इधर इतना सारा है, ये पैसा दिखा रहा है अपने को। ये देखो पैसा यहाँ पर है, और इधर ये अपनी एग्जिट पर तो लेकर के आ चुका है। तो चलो हम लोग ना यहाँ से बाहर जा सकते हैं, थोड़ा भाग करके चलते हैं। एक तो ना इतना बड़ा है, तो अगर हम लोग चल करके जाएंगे तो अपने को ना टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और हाँ आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, तो साथ साथ ना सब्सक्राइब भी कर दो। और ठीक है हम लोग ना अब चलने वाले हैं सीधा बाहर। और ये देखो अपने को ना सीधा एग्जिट पर लेकर के आ चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा है कोई गाड़ी लेकर के जाऊँ, प्रेसिडेंट की कार लेकर के चले क्या? वैसे भी बीबी गेमिंग ने ना मेरे को पूरी परमिशन तो दे रखी है, और मैं इसे बोलता हूँ कि तू गाड़ी ड्राइव कर। नहीं तू ना कर यार, मैं ही करूँगा, प्रेसिडेंट की गाड़ी मैं ही चलाऊँगा, अब तू ना बस मेरे साथ आकर के बैठ जा। तो चलो अपने को ना यहाँ से निकलना चाहिए सीधा उसी वाले कार शोरूम पर, जो आपने लास्ट टाइम देखा होगा यार, बीबी गेमिंग का खुद पर्सनल एक कार शोरूम है। ये देखो गाइस ये जो गाड़ी है कितनी ज़्यादा बड़ी है यार, ये ना नॉर्मल एसयूवी से कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, लिमोजीन जितनी लग रही है मेरे को तो। पर वैसे यार लिमोजीन कुछ ज़्यादा बड़ी होती है, पर सही है यार ये जो बॉडी गार्ड अपने को बता रहा है, अगर इस पर कोई भी RPG भी मार देगा ना, तब भी ये जो कार है ये ब्लास्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये स्पेशल प्रेसिडेंट के लिए बनाई हुई है। अब कहीं ये ना हो जाए यार, कहीं जो लॉस सैंटोस के इधर बंदे हैं वो सोचे कि प्रेसिडेंट जा रहा है और मेरे ऊपर अटैक कर दें।
पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है क्योंकि ये जो गाड़ी है इतनी ज़्यादा ऑसम। और हाँ, इधर ना मैं थोड़ा सा सेफ फील कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरे घर पर तो आपको पता कि गैंग वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं हाईटेक वेपन चुराने के लिए। और ये बंदा कौन है यार, ड्रिफ्ट वगैरह मारता है पूरी गाड़ी की। सही है, यहाँ पर ना उसको जाने देते हैं, कोई होगा तो चलो यार, अपने को ना यहाँ से निकलना चाहिए सीधा उसी वाले कार शोरूम पर। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए और देखने के लिए कि वहाँ पर ना कौन कौन सी गाड़ियाँ होने वाली हैं। और वो देखो, वो जो कार है ना गाइज, वो पता नहीं कोई रेसर ड्राइव कर रहा है क्या। ड्रिफ्ट भाई कितनी ज़्यादा बढ़िया मार रहा है, इसको जाने दे। एक सेकेंड, ये कहीं मैंक तो नहीं है? ये देखो यार, ये तो मैंक लग रहा है मेरे को। एक मिनट, उसको पता नहीं है कि मेरे को ना उसके ऊपर शक हो रहा है। रुको, मैं ना पहले साइड में जाता हूँ थोड़ा सा, अभी भगाता हूँ मैं इस वाली कार को, मैं ना इसको यहीं कहीं छुपा देता हूँ अभी। रुको गाइज, यहाँ पर ना मेरे को इसको यहाँ पर रोक लेना चाहिए पेड़ के पीछे, तो उसको पता नहीं चलेगा। हाँ, इधर रोकते हैं, ये जो जगह है बहुत ज़्यादा सही है। ये मेरा पीछा कर रहा है क्या? रुको यार, मेरे को ना देखना पड़ेगा। ये देखो यार, वो देखो, उसने ना गाड़ी रोक दिया और गाड़ी में से तो वही निकल रहा है। ब्राउन कोट ना उसी ने पाया था और वो मेरे को ढूंढ रहा कि वो कहाँ पर जा चुका है। ये सोच रहा था कि मैं बहुत चलाक हूँ, पर उसको नहीं पता कि जो अंकित है वो उससे भी ज़्यादा चलाक है। वो देखो, मेरे को वो ढूंढ रहा है। और नहीं, अपने को ना कार में से निकलना चाहिए। ये मैं समझ चुका हूँ मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि ना इसको मेरे ऊपर अभी भी ट्रस्ट नहीं है। तो ये देख रहा होगा कि वो जा कहाँ पर रहा है। तो चलो यार, मैं ना नीचे वाले रास्ते से निकलता हूँ। पीछा करने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कौन से कि कुछ गलत काम करने जा रहा हूँ, मैं तो बस जा रहा हूँ कार शोरूम पर कोई कार लेने के लिए। वैसे अपने पैसे नहीं लगने वाले हैं, फ्री में मिलने वाली है। और कहाँ ही मैं ले करके आ रहा हूँ यार, प्रेसिडेंट की कार। यहाँ से निकालता हूँ, इधर से ना निकल जाने वाली है। तो गाइज, जल्दी से मैं निकलता हूँ उसी वाले शोरूम पर। तो फाइनली गाइज, मैं ना इस वाली प्रेसिडेंट की कार को लेकर के पहुँचने वाला हूँ उसी वाले शोरूम पर जो पीबी गेमिंग का है। तो ठीक है, जो बॉडीगार्ड है ना अपना अपने साथ ही बैठा हुआ है। और ना मेरे को वो दिखाई तो नहीं दे रहा इधर। एक मिनट, वो देखो, वो जो ब्लू कार है वो उसी की है ना। वो देखो, वो ना भाग करके जा रहा था। मैं ना ऐसा एक्ट करता हूँ कि मैंने उसको देखा ही नहीं है। ठीक है, मैं ना नॉर्मल तरीके से इसको यहाँ पर ना पार्किंग में पार्क कर देता हूँ और उसके बाद मैं ना अंदर जाऊँगा शोरूम के। मैंने ना इस कार को पार्क तो कर दिया है और जो अपना बॉडीगार्ड है अपने साथ ही है। और ना वो मेरे को इधर उधर दिखाई तो अभी नहीं दे रहा है। वो पक्का मेरे को ना कहीं से छुप करके देख रहा होगा। अपने को यार क्या लेना देना उससे, मैं कौन सा कि इधर कोई डील करने जा रहा हूँ या तो कोई उनसे छुपा रहा हूँ कोई चीज़ को। मेरे को तो कोई डर नहीं है, मैं ना आराम से चलता हूँ अंदर। और यहाँ पर देखो, एक सुपर कार खड़ी हुई है जो कि ब्लू कलर की है। सही लग रही है देखने में, पर ना अंदर चल करके मैं देखने वाला हूँ अभी। और देखो गाइस, अंदर एक बिल्कुल सेंटर में रूबीकॉन घूम रही है इधर से उधर। और ये जो सारा का सारा शोरूम है ना अपने प्रेसिडेंट बीबी गेमिंग का ही है। और यहाँ पर देखो, सफाई करने वाले आए पड़े हैं क्योंकि ना सब करके ना कस्टमर को यार पूरा ट्रस्ट है प्रेसिडेंट के ऊपर। यहाँ पर रेंज रोवर है। और मेरे को कौन सी कार लेनी चाहिए, ये देखो मस्टैंग है इधर। मस्टैंग नहीं यार, ये ना शेल्बी है, शेल्बी की किट है इसमें तो बहुत सही। और यहाँ पर देखो, बीबी गेमिंग का मैनेजर खड़ा हुआ है यहाँ पर, जो मेन बंदा है इस शोरूम का। इससे ना अभी मैं बात करूँगा जब मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि मेरे को कौन सी कार खरीदनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ना एक सुपर कार है, यहाँ पर भी ना लोग इसको देख रहे हैं बैठ करके। सही है, मेरे को ना अभी तक तो लैम्बोर्गिनी ह्यूरिकेन बढ़िया लग रही है यहाँ पर, इसकी रेड लाइट्स हैं। पर मैं सोच रहा हूँ ना कि अपने पास सुपर कार तो है, मेरे पास ना कोई भी ऑफ रोडिंग वाला व्हीकल नहीं है, तो मेरे को रूबी कौन यहाँ पर लेना चाहिए। सही लगेगा यार, ऑफ रोडिंग व्हीकल है पूरा बढ़िया, मैं अपने घर पर ले जाऊँगा इसको। सही है, ये बहुत ज़्यादा सही है यार। इसके टायर वगैरह चेक कर रहे हो कितने ज़्यादा बढ़िया हैं। मैं उसी वाले मैनेजर से चल करके बात करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मेरे को ना ये वाली रूबीकॉन चाहिए, क्योंकि मैं ना प्रेसिडेंट का फ्रेंड हूँ। वैसे इसने मेरे को देखा हुआ है यार, जब ना हम लोग ब्रेबस लेने गए थे ना बीबी गेमिंग के बॉडीगार्ड्स के लिए, तब इसने मेरे को देखा था। ठीक है, मैं ना इससे बात करता हूँ। देखो गाइस, ये जो डीलर है ना, ये अपने को पहचान चुका था। ये कह रहा है कि हाँ मैं पहचान चुका हूँ, तो ना बीबी गेमिंग का फ्रेंड है। तो ठीक है, अपने को ना इसने ये जो रूबीकॉन है ये दे दिया है। अपने मैं ना बॉडीगार्ड को भी बोल देता हूँ कि ना तो इसी में आकर के बैठ जा, पहले मैं ना इसको थोड़ा सा चला करके देखूंगा। वैसे यार दिखने में तो बढ़िया है यार कार एकदम, देख रहे हो पूरी 4x4 है और पीछे वाली साइड पर एक टायर और है इसमें, तो ऑफ रोडिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवाएगी। पर एक मिनट, ये जो प्रेसिडेंट की कार है यार, फिर तो ये यहीं पर रह जाने वाली है। एक काम करते हैं गाइस, ये जो बॉडीगार्ड है ना, इसको मैं बोलता हूँ कि तो जो प्रेसिडेंट की कार है वो घर पर ले जा, मैं अपने आप ही आ जाऊँगा बाद में। तो ठीक है, तू जा भाई यहाँ से। अब मैं ना इसको थोड़ा सा चला करके देखता हूँ। पर रुको, ये यहाँ पर क्यों आ चुका है? तू क्या कार है? तो क्यों क्या
चुरा के लेके जा रहा है क्या शोरूम से? अबे पागल है क्या, मैं चुराऊंगे क्यों? यहाँ पर बीबी गेमिंग ने मेरे को खुद परमिशन दी थी, जो भी तेरे को ना गाड़ी बढ़िया लगे तो ले जाइए। हो तूने ये लिया फिर? मतलब एक तरह से उसने गिफ्ट करी है तेरे को गाड़ी? हाँ, ये फ्री में है, उसने खुद बोला था कि तू ले जियो क्योंकि तूने मेरी जान बचाई थी, तो करके फिर मैं लेके जा रहा हूँ। तू तो कह रहा था मैं आऊंगा नहीं, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ गया? घर पे बोर हो रहा था, पीछे तेरे कब आया हूँ मैं, सीधा आया हूँ दूसरी रास्ते से। अच्छा। मैं सोच रहा था कुछ गाड़ियां ही देख लूंगा जाके। देखो गाइस कितना झूठ बोल रहा है ना, मेरा पीछा कर रहा था और यहाँ पे आकर के झूठ बोल रहा है। अब तू साथ चलेगा क्या मेरे? नहीं नहीं मैं क्यों साथ जाऊंगा, ये देख गाड़ी, मैं बस घूम रहा हूँ इधर उधर एक्सप्लोर कर रहा हूँ कुछ। अच्छा चल तू कर फिर एक्सप्लोर। देखो यार ये कितना चलाक बंदा है, मेरे को झूठ बोल रहा है कि मैं अलग रास्ते से आऊँ, मैं तेरा पीछा ही नहीं कर रहा हूँ और ये पीछा कर रहा है मेरा। ठीक है अब मैं तो क्या ही करता हूँ, इसको घूमने देते हैं इधर उधर, इस पर ना मैं भी नज़र रखता हूँ। वो देखो जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ वो ना मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पता नहीं ये क्यों कर रहा है मेरा पीछा। ये कहीं ऐसा तो नहीं देख रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, कहीं ये सोच रहा हो कि जो हाईटेक वेपन है वो मैंने इनसे छुपा रखे हैं, कहीं ऐसा कुछ सोच रहा हो। पर आपको भी पता है यार ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको तो बता ही देता। तो चलो यार मैं ना जो ये रूबिकॉन है इसको भगाता हूँ, और बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार, मज़ा आ रहा है इसको तो चला करके मेरे को। और वो देखो वो ना मेरे पीछे ही है, ब्लू सी कार उसी की है। यहाँ से ना मैं पार्किंग में से निकालता हूँ, इधर टूटा सा रास्ता है, यहाँ से निकाल करके देखता हूँ, अगर वो मेरे पीछे आएगा तो वो मेरा पीछा ही कर रहा है। ठीक है ये देखो यहाँ पर ना एक टूटा रास्ता है, इधर से मैंने इसको जंप करवा दिया है, और वो देखना अभी वो भी आएगा जंप करवाने के लिए अगर मेरा पीछा कर रहा है तो। वो देखो यार ये देखो ये ना मेरे पीछे पीछे आ रहा है, अब मैं बार बार नहीं रुक रहा हूँ, इसको आने देते हैं यार, ये मेरा पीछा कर ही जाए, क्या ही कर लेगा पीछा करके। तो ठीक है यार ये जो रूबिकॉन ना मेरे को ना चलने में तो बिल्कुल ऑसम सी लग रही है, इसकी ना हम लोग ऑफ रोडिंग वगैरह भी बाद में कर लेंगे। तो ठीक है आपको ना ये जो रूबिकॉन है अगर पसंद आ रही है तो कमेंट्स करके बताओ यार कि कैसी लग रही है आपको। तो ठीक है मैं ना इसको भगाता हूँ और चलते हैं थोड़ा सा कपड़े वगैरह परचेज करने के लिए। देखो गाइस इस टाइम पर ना मैं उसी वाली शोरूम पर पहुँचने वाला हूँ जहाँ पर ना अपने को कपड़े वगैरह बढ़िया से मिल जाने वाले हैं, और यहाँ पर ना ये जो रूबिकॉन है बहुत ज़्यादा सही चल रही है यार, मज़ा तो बहुत ज़्यादा ही आ रहा चलाने में। और एक मिनट ये मस्टैंग देख रहे हो कितनी ज़्यादा बड़ी है, और ये क्या कर रहा है भाई, पागल है क्या? अभी अभी मैंने शोरूम से कार निकाली है और पता नहीं कौन है इस पर, मैं एम करता हूँ पर एक मिनट ये तो कोई लेडी है यार, इसको मैं क्या ही मारूं। अबे यार मस्टैंग देखो इसकी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है पर इसको चलानी आती नहीं है, अब जाने देते हैं। निकल भाई तू यहाँ से जल्दी से निकल जा, इसको भी मैं मार मुर दूंगा फालतू में यार, ऐसी पुलिस वगैरह आ जाएगी। और मैं ना इधर ज़्यादा तबाही नहीं मचाना चाहता हूँ क्योंकि यार फालतू में फिर अपना जो बीबी गेमिंग है वो भी बोलेगा कि तू भाई इधर तबाही वगैरह क्यों मचा रहा है, इधर गैंगस्टर वगैरह क्यों बन रहा है। तो तभी करके मैं ना इधर आराम से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर ना मैं उसी वाले शोरूम पर तो पहुँच चुका हूँ, और हाँ एक बात और मैं ना सोच रहा हूँ कि इधर तो मैं कुछ दिन रहने वाला हूँ, एक काम करते हैं ना तब तक अपनी जो सिक्योरिटी है यहीं पर बुला लेते हैं, उनको भी ना एक घंटा या तो दो घंटा लग जाने वाला है इधर तक पहुंचने के लिए। तो मैं सोच रहा हूं कि ना यहीं पर मैं रहूंगा तो यहीं पर बुला लेते हैं उनको भी, क्योंकि मैंक और बीबी गेमिंग फिर ना हम तीनों लोग और अपनी सिक्योरिटी जितनी भी है सब लोग यार उसी वाले हाईटेक वेपन को ढूंढ लेंगे फिर। तो चलो मैं ना पहले कॉल करता हूँ। इस टाइम पर ना मैंने अपने बॉडीगार्ड से बात कर ली है, अपने ना वैसे देखो 10 बॉडीगार्ड से 3 अपने बंकर में मारे जा चुके हैं, बाकी के जो बॉडीगार्ड हैं ना वो अपने घर पर ही थे। तो मैंने ना उनको बोला कि तुम लोग 4 लोग आ जाओ इधर, तो उनको तो ना वैसे 2 घंटे लग जाने वाले हैं, तो तब तक ना मैं इधर कुछ बढ़िया से कपड़े वगैरह परचेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर हम लोग प्रेसिडेंट के शहर में हैं तो कुछ बढ़िया तो लगने चाहिए। एक तो ना इतने दिन से मैंने यही रेड सी शर्ट पहन रखी है तो गंदी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। यहाँ पर ना बढ़िया बढ़िया से कोट पैंट है, ब्लैक कलर का ले लें क्या, मज़ा आएगा यार बिल्कुल ब्लैक कलर का ना कोई मैं कोट पैंट यहाँ परचेज़ करता हूँ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है ये वाला कोट पैंट मेरे को ना बढ़िया लग रहा है, वाइट शर्ट एंड ब्लैक कोट पैंट। तो इस टाइम पर देखो गाइस मैंने ना ये वाला कोट पैंट तो डाल लिया है और बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, देखने में ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं प्रेसिडेंट हूँ लॉस सैंटोस का। और हाँ मैंने ना वो जो अपना बॉडीगार्ड नहीं था जो बीबी गेमिंग ने मेरे को दिया वाली फील लूँ प्रेसिडेंट जैसे, मैंने कपड़े डाल लिए हैं और गाड़ी अपने पास आ रही है वही वाली, तो ठीक है बढ़िया लगेगा यार एकदम ही, सब लोग सोचेंगे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट घूम रहा है क्या। मैं भी यार इंजॉय करता हूँ प्रेसिडेंट की लाइफ को, और ये देखो वो जो गाड़ी है आ चुकी है। तो ठीक है इसको मैं बोलता हूँ कि तू रूबिकॉन घर पर ले जा, और मैं ना इधर अकेला इस वाली कार को पूरा ड्राइव करूँगा। ठीक है तूने बहुत बढ़िया करा, ये वाली गाड़ी यहाँ पर तू लेकर के आ चुका है तो सही है। यहाँ पर ना यार अब पूरा माइकल अपना लग रहा है प्रेसिडेंट, बहुत ज़्यादा सही यार, ब्लैक कोट पैंट है और प्रेसिडेंट वाली कार है,
तो देखता हूँ मैं लोगों का रिएक्शन कि कैसा लगने वाला है। ये देखो एक बंदा यहाँ पर ना बीच में पता नहीं क्या कर रहा है, ये अपने से फ़ोटो वगैरह खिंचवाएगा क्या? यहाँ पर ना मैं वैसे ही रुकता हूँ, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, इधर ना रुकता हूँ, सबका देखता हूँ रिएक्शन कि क्या होने वाला है, लोग मेरे पास खुद आएंगे कि नहीं आएंगे। पर ये गंजा सा बंदा ना मेरे को लग रहा है कि ये सोच रहा है कुछ, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहा कि प्रेसिडेंट इधर क्या कर रहा है। हाँ मैं ना इससे देखता हूँ कि ये मेरे पास ही आ रहा है। ये देखो ये ना फ़ोन खोल रहा है अपना और ये कह रहा है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये ना अपने साथ पिक्चर वगैरह खिंचवाना चाह रहा है। तो ठीक है प्रेसिडेंट हूँ यार मैं तो आज, तो बिल्कुल इससे ना मैं पिक्चर वगैरह क्लिक वगैरह करवा लेता हूँ। इधर देखो यार इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना भीड़ मच चुकी है, यहाँ पर मैं 2 मिनट क्या ही खड़ा हूँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं और क्लैपिंग वगैरह कर रहे हैं, सबको तो यही लग रहा है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ इधर लॉस सैंटोस का। क्योंकि ये देखो ये ना गाड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है जिस करके ना सबको पता है कि ये प्रेसिडेंट के पास ही होती है। मैं ना अपना थम्सअप वगैरह तो कर रहा हूँ कि किसी को बुरा ना लगे कि प्रेसिडेंट यहाँ से भाग चुका है। अब 1 मिनट मैंने तो इधर नज़र नहीं मारी है, यहाँ पर विजल न्यूज़ वाली वैन भी आई पड़ी है यार। अबे यहाँ से ना अपने को निकलना पड़ेगा, और वो जो देखो गंजा सा बंदा है ना वो मेरे से फ़ोटो क्लिक करवा रहा था फिर यहाँ से जा चुका है, अब वो कुछ सोच रहा है फ़ोन वगैरह निकाल रहा है, तो चलो उसको तो यार क्या ही लेना देना। अब यहाँ पर देखो इतनी ज़्यादा भीड़ आ चुकी है, अबे यार मेरे को निकलना चाहिए, सॉरी गाइस सॉरी मेरे को ना जाना है ज़रूरी काम से, मेरी मीटिंग है, इनको मैं ऐसे ऐसे बोल देता हूँ तभी यार ये लोग हटेंगे यहाँ से, नहीं तो यार इधर तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ जाने वाली है। और वो देखो पीछे इतने ज़्यादा बंदे हैं और ये मेरा पीछा कर रहा है क्या बाइक वाला? अबे भाई ये मेरा पीछा कर रहा है पक्का यार, ये ना अपने से कोई कह रहा होगा कि सेल्फी खिंचवा लो सर। और वो देखो ट्रक वगैरह आ रहे हैं, भाई मैं निकल रहा हूँ, प्रेसिडेंट का यार इतनी ज़्यादा मुश्किल लाइफ होती है मैं तो आज देख रहा हूँ, भाई बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है सही में। बीबी गेमिंग इतने फेमस हैं भाई यहाँ पर, अब क्या कर सकते हैं, और अपने को ना यहाँ से निकलना चाहिए। वो देखो बाइक वाला अभी तक आ रहा है और ये गंजा सा बंदा टक्कर मार रहा है अपने को, ये तो वही है ना जो अपने से पहले क्लिक करवा था फ़ोटोज़ वगैरह। अबे नहीं यार ये अपने ऊपर अटैक कर रहा है, मैं समझ चुका हूँ ये कोई गैंग का बंदा हो सकता है, तभी ना ये अपने से पहले क्लिक वगैरह करवा था फ़ोटो और ये ने कुछ सोच रहा था, फिर इसने मोबाइल वगैरह निकाला, यार मेरे को उसी समय समझ जाना चाहिए था ना, मेरे पास एक पिस्टल है बस, अपने को ना इसको बजाना पड़ेगा। और बाइक वाला भी इसी के साथ मिला क्या? अबे नहीं यार दिक्कत हो जाने वाली है, मेरे ऊपर और भी ज़्यादा बंदे अटैक कर सकते हैं, और मैं कैसी कैसी रस्तों से इस वाली कार को भगा रहा हूँ। और ये देखो ये बाइक वाला लगा है, मैं ना यार इसको मारने की ट्राई करता हूँ, टायर वगैरह पंचर करता हूँ पूरे, और नहीं तो ना ऐसी दिक्कत हो जाने वाली है। यार ये लोग मेरे को प्रेसिडेंट समझ चुके हैं सही में, सबके सब मेरे ऊपर ना अटैक कर रहे हैं। और ये देखो ये टक्कर मार रहा है बाइक से, भाई क्या ही कर लेगा, ये बुलेट प्रूफ कार है तो कुछ नहीं कर सकता है मेरा। ये देखो मैंने इसके टायर वगैरह पंचर करने की ट्राई करता हूँ और वो जो ट्रक वाला मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, और इसके पास भी गन है यार, ये कोई छोटे मोटे बंदे नहीं है, गन वगैरह इनके पास भी है। ये देखो ये जो ट्रक वाला यार ये मेरे को टक्कर मार रहा है, और अगर कोई उसके पास कार होती ना तो अपनी गाड़ी में कुछ असर नहीं पड़ने वाला था, उसका जो ट्रक है बहुत ज़्यादा भारी है जिस करके इतनी ज़्यादा बड़ी सी कार घूम जा रही है। और मैंने इसके बजाता हूँ एक तो, और वो देखो गन वगैरह पूरी फायर करा उतर करके, मैंने एक तो बजा दिया है, और निकलना पड़ेगा यार निकलना पड़ेगा अपने को जल्दी से। यार मैंने इनसे पीछा छुड़ाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ पर ये लोग ना मेरे पीछे पीछे आ ही रहे हैं, एक बजाया मैंने, इसने वेस्ट वगैरह डाली है क्या? इसको मैं टक्कर मारता हूँ, इसको आने दो आने दो, बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा, टक्कर मैंने मार दिया और ठीक है यहाँ पर ये गिर चुका है और मैंने इसको कुचल भी दिया है, अब तो ये मर गया होगा यार। मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इधर तबाही करूँगा सबको लगेगा कि ये प्रेसिडेंट को क्या हो चुका है। और नहीं यार मेरे को ना निकलना चाहिए इधर से, और मैं ना थोड़े बीच वाले रास्ते से चलता हूँ क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह नहीं घूमती हैं। और ठीक है मेरे को लग रहा है कि वो जो बंदे हैं ना उन्हें की तो 2 मिनट में अभी कोट पेंट पे सब ने अटैक वगैरह करना शुरू कर दिया है, बहुत मुश्किल लाइफ है यार सही में, अपने को यहाँ से निकलना चाहिए चुपचाप से। और अभी तो मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, और ठीक है इधर से मैं हाईवे वाला रास्ता पकड़ता हूँ, पर 1 मिनट दूसरी कार आ चुकी है, वो ट्रक वाले को तो मैंने उड़ा दिया और बाइक वाले को भी उड़ा दिया, पर ये दूसरी गैंग आ चुकी है क्या कार लेकर के, इसमें भी गोलियां वगैरह लगी हुई हैं और ये लोग मेरे ऊपर फायर कर रहे हैं, और दूसरा बंदा आ चुका है बाइक लेकर के। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा गलत सीन नहीं है यार, इतने ज़्यादा बंदे अपने पास ना आ रहे हैं अटैक वगैरह करने के लिए, और मैं ना इनको मारने की ट्राई करता हूँ, बजाया मैंने इसको टक्कर मारते हैं, ये देखो इसको भी मैंने उड़ा करके रख दिया और ये बंदा भी मर चुका है। इस कार वाले को भी ना अपने को बाहर लेकर के चलना चाहिए, उसके बाद ही ना मैं कुछ कर सकता हूँ, पर नहीं यार ये लोग इतने हद तक तेज़ तेज़ टक्करें मार रहे हैं जिस करके ये जो गाड़ी है
बहुत ज़्यादा लंबी है ना, जिस करके ये पूरी की पूरी घूम जा रही है। इसके टायर पंचर करता हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ना मैं किसी गली में आकर के फंस चुका हूँ। और भाई क्या हो रहा है, ये कौन सी वैन आ चुकी है और मेरी कार पूरी यहाँ पर पलट चुकी है। निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा। अबे यार अपने को ना यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई देखो मैं ना इधर से निकल चुका हूँ। अबे यार वो लोग ना कार ना चुरा ले, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। नहीं तो यार बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगी। फिर तो बीबी ये भी मेरे को बोलेगा कि भाई तो क्या करने गया था कार लेकर के। और ये देखो इसके मैंने बजा दिया, अब इसको मैंने बजा करके पूरा ही रख दिया है। वेस्ट वगैरह डाल रखी है इन्होंने। यार ये देखो इतनी बड़ी थी ना, इन्होंने कार यहाँ पर ले आकर के ठोक दिया, इसके हेड बजा दिया। और ठीक है मैं बजाता जा रहा हूँ इसके, पर इसने ना वेस्ट डाल रखी है जिस करके ये जो बंदा है ये मरने पर ही नहीं आ रहा है। अबे नहीं कहाँ पर है, ये देखो मैंने इसको मार करके रख दिया है। देखो गाइस हेड पे हेड मैंने ना इसको बजा दिए हैं। और ये गंजा भी आ रहा है, ये देखो मैंने इसके भी बजा दिया है। बहुत ज़्यादा गलत सीन हो रहा है, बंदे ना अपने ऊपर अटैक कर ही रहे हैं और मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। यार ये वाली जो कार है मैं ना इसके अंदर तो बैठ चुका हूँ और यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो गाइस दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और नहीं वैन में कोई और भी बैठा था क्या? अबे नहीं यार ये बंदा कोई और भी था क्या वैन में? भाई पता नहीं क्या सीन हो रहा है, अपने ऊपर अटैक पे अटैक होते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सिलेंडर है यहाँ पर ना ब्लास्ट हो चुका है। अबे नहीं यार वो जो वैन है भाई क्या है, बुलेट प्रूफ है क्या? वो ब्लास्ट हुआ है तब भी नहीं फटी है, मेरे को लग रहा था कि वो फट गई होगी पर ऐसा नहीं है। यार मैं ना इस वाली कार को भगाता हूँ, दिक्कत हो रही है यार बहुत ज़्यादा, मैंने ना गलत डिसीजन ले लिया है। ये देखो वो जो वैन है उड़ाती जा रही है सबको, पूरी मॉडिफाइड है यार, मैं ना पूरी फुल स्पीड देख करके बैठा हूँ इस वाली कार की। अबे नहीं मैंने आगे नहीं देखा यार, मैंने बंदे को चल करके रख दिए हैं। अबे नहीं यार वो जो वैन है ना मेरे को उड़ा करके रख देगी। एक तो ना ये जो कार है इतनी ज़्यादा लंबी सी है ना, बुलेट प्रूफ तो है ये मानता हूँ, पर ना ये लंबी बहुत ज़्यादा है जिस करके जो इसकी स्पीड है वो ज़्यादा नहीं है। अबे यार मैं ना यहाँ से कट वगैरह निकालता हूँ। और ठीक है वो ना अभी भी मेरे पीछे आ रहा है, मेरे को ना कुछ तो करना पड़ेगा। अबे यार वो देखो वो जो वैन है ना मेरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही है, टक्कर वगैरह पूरी लगती जा रही है और सामने एक कार और आ चुकी है। यार ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। सामने ना एक बिल्डिंग टूटी सी है, यहाँ से ना मैं जंप करवाने वाला हूँ, अब देखा जाएगा जो भी होगा। ये देखो मैंने ना जंप करवा दी है और वो लोग नहीं आ सकते, मेरे को नहीं लग रहा कि वो लोग आ आएंगे, क्योंकि वो देखो उनके पास ना एक वैन थी वो तो ब्लास्ट हो चुकी है। बहुत सही बहुत सही, पर वैन ब्लास्ट हो चुकी है, ये जो गाड़ी है पर ये नहीं ब्लास्ट हुई है। ये यार अपने को निकालना पड़ेगा अब इसको। और एक ना मेरे को लग रहा है कहीं मैं ना अपने को देख रहा हूँ चुप करके, उसको अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा फिर तो शक हो जाने वाला है कि ये ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, जिस करके इसके पीछे ना बंदे लग चुके हैं। फिर यार वो जाकर के बीबी गेमिंग को बता देगा तो दिक्कत हो रहेगी फिर तो। अबे यार एक तो ना उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा था, पर यहाँ पर मैं फालतू में फ़ाइट वगैरह कर रहा हूँ, मेरी क्या गलती है यार? मैंने तो बस सोचा था कि प्रेसिडेंट बनता हूँ आज के दिन में, पर मेरा तो भाई इन्होंने बैंगन का भरता बना करके रख दिया है। अब ये लोग ना मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, यार हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा यार अपने को, ऐसे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाने वाली है। यार यहाँ पर ना 2 घंटे बाद मैं एयरपोर्ट पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि जो मेरे चारों के चार बॉडीगार्ड हैं ना वो यहाँ पर आ चुके हैं। और वो जो गैंग के बंदे थे यार वो ना मेरा पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं बीबी गेमिंग हूँ। पर मैं ना उनको मारने को तो मार सकता था, पर मैं ना उनको जानबूझ के यार मारने की नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं उनको मारता तो यार अपने जो फ्रेंड बीबी गेमिंग का ना नाम ख़राब होता इधर, क्योंकि यार लॉस सैंटोस की पब्लिक उसको प्रेसिडेंट मानती है, वो है ही है। तो तब करके ना मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आराम से रहूँ, क्योंकि सबको लग रहा है कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मैं यार प्रेसिडेंट वाली कार को चला रहा हूँ। तो इस टाइम पर मैंने ना उनसे पीछा वगैरह तो छुटा लिया था, तो इधर ना मैं उनको पिकअप वगैरह करने के लिए आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखो वो लोग ना मेरे को शायद से दिखाई तो दे चुके हैं, हाँ वो लोग ना किसी का प्लेन तो यहाँ पर ना लेकर के आ गए होंगे। तो ठीक है मैं ना ये जो गाड़ी है इसको इधर पार्क करता हूँ और इनसे चल करके मैं बात करता हूँ। तो ठीक है ये ना मेरे को वैसे इतने दिनों के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और सही है वेव वगैरह कर रहे हैं, बहुत सही यार तुम लोग ना मेरी यहाँ पर गाड़ी में आकर के बैठ जाओ। और सही है ये जो बॉडीगार्ड हैं अपने यहाँ पर ना प्रेसिडेंट वाली कार में आकर के तो बैठ रहे हैं, मैं ना इनको एक लोकेशन पर लेकर के चलता हूँ, वहाँ पर ना ज़्यादा सही रहेगा। और ये ड्राइव करेंगे क्या? हाँ यार अपनी सिक्योरिटी है तो ड्राइव तो इनको कर लेनी चाहिए कार। ये देखो यहाँ पर ना जो पीछे वाली सीट पर मैं बैठ चुका हूँ और जो अपना बॉडीगार्ड अपने साथ में बैठा हुआ है, जो बाकी के बॉडीगार्ड है ना वो आगे वाली साइड पर तो बैठ चुके हैं। और ये जो कार है बहुत ज़्यादा लग्जरी है, इस टाइम पर ना मैं ये वाली कार को नहीं ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि जो अपने बॉडीगार्ड हैं ये लोग ड्राइव कर रहे हैं।
तो सही है, मैं ना इनको एक लोकेशन के बारे में बताता हूँ, ये लोग ना मेरे को वहीं पर लेकर के चलेंगे, क्योंकि यार एक ना मैंने अपार्टमेंट देखा है, ये लोग ना तब तक वहीं पर रहेंगे जब तक ना मैं इस वाली सिटी में हूँ, तो तब करके सही रहेगा यार। डोर वगैरह तो यहाँ पर पूरा खुल चुका है, और इनको मैं बोलता हूँ भगाओ जल्दी से यार। और ठीक है, यहाँ पर ना देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। इस टाइम पर ना देखो हम लोग ना पहुँच चुके हैं शैंडी शोर्स पर, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने एक घर रेंट पर लिया है कुछ